हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। नमस्कार, यहाँ पर एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और आप ये भी कह सकते हो कि अच्छी भी है और आप एक बुरी भी समझ सकते हो। डीएलएड 2017 बैच के लिए कार्यालय आदेश, और ये जो है वो डायट दर्जी कुआं गोंडा से है। आपको मैं बता दूँ, आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज नहीं जाते हो, ठीक है। आपका जुगाड़ है या पैसे दे करके या कॉलेज वाले पैसे लेकर के कहते हैं कोई आने की ज़रूरत नहीं और सारी चीज़ें। फिलहाल ये आदेश अभी आपका दर्जी कुआं गोंडा के लिए जारी हुआ है, डाइट के लिए वो भी। लेकिन आपको मैं बता दूँ, हो सकता है अगला नंबर आपके ज़िले का डाइट, आपके आपका जो डाइट है उस ज़िले का, जिस ज़िले से आप संबद्ध हो वहाँ का भी हो सकता है। नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। समस्त डीएलएड प्रशिक्षु डीएलएड बैच 2017 लिखा हुआ है। संस्थान में डीएलएड 2017 के प्रशिक्षण कक्षों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आकलन के लिए औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि डीएलएड 2017 में प्रशिक्षकों की उपस्थिति संख्या जो है वो अत्यंत न्यूनतम थी। अतः डीएलएड में अनुपस्थित रहने वाले समस्त प्रशिक्षकों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने लिखित स्पष्टीकरण के साथ 24/6 आपकी डेट आपकी बीत चुकी है, ठीक है, को स्वयं उपस्थित हों, और अन्यथा मानक के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण न होने पर अगले सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रशिक्षु का होगा। और यहाँ पर डाइट के जो प्राचार्य हैं उनका हस्ताक्षर, यहाँ पर सारी आपकी डिटेल जो है यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको बता दूँ, मेरे जानने में कई स्टूडेंट थे जो ऐसे में नहीं जाते थे, चूँकि मैं गोंडा से ही बिलोंग करता हूँ, दर्जी कुआँ उधर ही आप है जो है डाइट का, ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ देखने को मिली लिखित स्पष्टीकरण के साथ में, उनको जो है वहाँ पर ये चीज़ें पता चली मुझे। और मैं बता दूँ, आप लोग कोशिश करिए भाई कि अपने विद्यालय में फ़िलहाल अभी ये डाइट पर आपकी जो चेकिंग हुई है हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जो प्राइमरी, अगर आप बात करते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो अनुरोध है आप सभी से, मैं पहले भी बोलता था, बीच में कम से कम जी झांक करके तो आया करिए, कम से कम विद्यालय में है क्या उपस्थिति पंजिका जो भी है आपके, वहाँ पर रजिस्टर वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट वगैरह होना चाहिए, लगा होना चाहिए। लगा होने का मतलब है, ये अभी जब औचक निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर आप अगर फिजिकली भी अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं तो भी दिक्कत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा फाइनल उसमें जो है कि आपके ज़िले में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो आप लोग इन चीज़ों से आप सतर्क अभी से हो जाइए, ठीक है। इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ में भी, जिससे कि वो भी जो है इससे सावधान हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।